MyGov Daily Digest की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 27 जुलाई आम लोगों के बीच सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के इरादे से 7 साल पहले भारत सरकार ने 26 जुलाई 2014 को MyGov की शुरुआत की। 7 साल में MyGov ने कई अहम योजनाओं की कल्पना को साकार किया। देश की जनता से सीधा संवाद और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ साथ आइए जानते हैं MyGov के 7 वर्षों के सफर की 7 अहम हाइलाइट्स के बारे में। जनता की सहभागिता के चलते MyGov आज दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। 7 साल में MyGov से लगभग 1.85 करोड़ लोग जुड़े। अगर बात की जाए सोशल मीडिया आउटरीच की तो आपको बता दें कि MyGov सोशल मीडिया में तकरीबन 5.10 करोड़ MyGov साथी इससे जुड़ा है। सोशल मीडिया पर सटीक और आधिकारिक जानकारियों के लिए MyGov गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फैक्ट चेक हब के तौर पर भी उभर कर सामने आया। कोरोना काल में अकेले 4 करोड़ यूजर्स ने MyGov के जरिए महत्वपूर्ण और कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी सही सूचनाओं को प्राप्त किया है। आपको बता दें कि करीबन 92.7 लाख MyGov साथी 1982 प्लस ब्लॉग्स के जरिए हमसे जुड़े। बीते 7 वर्षों में 43 प्लस प्लेजेस के जरिए 81.5 लाख MyGov साथियों ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संकल्प लिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा MyGov को शेयर चैट, चिंगारी, रोकोसो, बोलो इंडिया और मित्रों के माध्यम से आप तक पहुंचता है। बीते 7 वर्षों में MyGov वॉलंटियर्स और MyGov साथियों ने टेक्नोलॉजी के जरिए MyGov की डिजिटल डेमोक्रेसी की मुहिम को बल दिया। हमें आशा है कि आपके विश्वास और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की इस पहल को हम देश के विभिन्न राज्यों तक साथ मिलकर पहुंचाएंगे। 26 जुलाई 2021 के MyGov@7 इवेंट्स की हाईलाइट के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं MyGov इंडिया यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर। आज के लिए MyGov डेली डाइजेस्ट में इतना ही। आशा है आप इसी तरह अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहेंगे। MyGov की पूरी फैमिली की ओर से MyGov@7 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम आपसे जुड़ेंगे कोविड अपडेट्स, टोक्यो 2020 में इंडिया के परफॉर्मेंसेस और अन्य डेली अपडेट्स के साथ। MyGov डेली डाइजेस्ट की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।